फिर से टाइम आ चुका है विविलियन डेज का, मतलब कि जो पहले आपको डिस्काउंट मिल रहे थे ना स्मार्टफोन्स पर, अब कुछ फोन पे तो उससे भी अच्छे मिल रहे हैं और उतने तो आपको मिल ही रहे हैं। मतलब जो दिवाली सेल स्टार्ट हुई है ना, यहाँ पर मजा आ गया देखकर। एक ही करके सब बताता हूँ मैं, यहाँ से आपको क्या लेना है क्या इग्नोर करना है, जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे मैं टैग कर दूंगा, वहां से आप आराम से बाय कर पाएंगे। ये आपको मिलता है पेज दिवाली सेल का, 21 से ये सेल स्टार्ट है। अगर आपके वनप्लस मेंबरशिप है तो एक दिन पहले आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। पहला फोन यहाँ पर दिखा रहे हैं आईफोन 15 और 15 प्लस। अब देखो ये दोनों फोन ऐसे हैं जो 50,000 में मिल रहे हैं 15 और 60 में मिल रहे हैं 15 प्लस। प्राइसिंग इनकी काफी अच्छी है। अगर आपको आईफोन 15 बाय करना था ना, ये बेस्ट टाइम है बाय करने का, क्योंकि जब आप दोबारा इसको चाहेंगे ना 50 में मिल जाए तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, तो आप इसको ले सकते हैं। कैमरा अच्छा, बिल्ड क्वालिटी अच्छी, डिजाइन अच्छा, कोई आपको शिकायत नहीं होगी। बिल्कुल 16 है ना, उससे ज्यादा वैल्यू ये फोन आपको प्रोवाइड करेगा अगर आपको ये 50 के अंदर मिल रहा है तो। इसके बाद अगर हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी S23 मिल जाएगा। ये सैमसंग का बेस्ट फ्लैगशिप फोन है जो आपको 38,000 का मिल रहा है। इसका एडवांटेज ये मिल जाता है आपको, एक तो कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, आज की डेट में हमने देखा होगा कॉम्पैक्ट फोन पर ब्रांड काम नहीं करने हैं, तो उसके बीच में ये फोन अलग ही शाइन करता नजर आता है। कैमरा अच्छा है फोन का, जबरदस्त वाला, और परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 इस फोन में अवेलेबल है। डिस्प्ले क्वालिटी अमेजिंग, AI के जो गैलेक्सी AI के जो फीचर्स हैं वो सब यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका एक भी पैसा वेस्ट नहीं होगा। हाँ, कॉम्पैक्ट फोन है तो बैटरी छोटी है फोन में, थोड़ा सा ये है कि बैटरी बैकअप उतना नहीं मिलेगा जितना आजकल आपको सेम प्राइस पे आने वाले बाकी फोन्स का मिल जाते हैं, तो ये एक चीज है जो आपको माइंड में रखकर चलना होगा। फिर है सैमसंग S24 Plus, 65,000 का ही आपको मिल रहा है। देखो जो S24 सीरीज है ना, चाहे वो 4 हो या 4 प्लस हो, उससे कहीं ना कहीं जो S23 है वो आपको ज़्यादा अच्छी वैल्यू दे रहा है, तो अगर आप वो लेंगे तो ज़्यादा आपका पैसा सही जगह लग रहा है, ये मैं आपको कहूँगा। इसके बाद CMF Phone 1, 12,500 का ये फ़ोन अवेलेबल है। अगर मैं 12,500 का सेगमेंट देख रहा हूँ ना, तो 12,500 में एमोलेड डिस्प्ले, ठीक है, और डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है फ़ोन की, रिमूवेबल बैक आपको मिल जाएगी, इसका आप कितना यूज़ करते हैं वो एक अलग चीज़ है, बट ये ऑप्शन आपको यूनिक वाला फ़ोन में मिल रहा है, और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इस फोन में आपको कमाल का होगा, नथिंग वाला सॉफ्टवेयर मिलता है, बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस है, यूज़ करने में बहुत ही स्मूथ फील होगा। कैमरा क्वालिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक ठाक है, बस प्राइस के हिसाब से कोई आपको शिकायत नहीं होगी, बिकॉज 12,000-12,500 में वैसे ही आपको कोई ज़बरदस्त वाले कैमरा फ़ोन नहीं मिलते हैं, तो उसके सामने तो ये बढ़िया लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं परफॉर्मेंस देखता हूँ ना, Dimensity 7300 इस फोन में अवेलेबल है, जिसकी परफॉर्मेंस अपने आप में जबरदस्त बन जाती है अगर हम 12-13,000 का सेगमेंट देखते हैं तो। फिर है नथिंग फोन 2A Plus। इससे पहले आपको नथिंग फोन 2A मिलता था 21-22,000 में, अब 21,500 का या इसकी इसी रेंज में आपको नथिंग फोन 2A Plus मिल जाएगा, जो कि अपग्रेड वर्जन है नथिंग फोन 2A का। अगर मैं प्लस को कंपेयर करता हूँ ना 2A से, एक तो आपको कैमरा में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, दूसरा परफॉर्मेंस यहाँ पर थोड़ी अपग्रेड की गई है, 7200 Ultra मिल जाए आपको नथिंग फोन 2A में, और 2A Plus में है 7300। अब यहाँ पर क्या है, AI के कुछ फीचर्स भी ऐड हो चुके हैं और एक स्टेबल परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी, इसके अलावा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वगैरह कमाल का आपको होगा। मुझे लगता है कि ये एक ऑलराउंडर पैकेज बन चुका है अंडर 25,000 की रेंज का, तो इसको भी आप देख सकते हैं, आंखें बंद करके ले लो, आपको पैसा वेस्ट नहीं होगा, ये बात साफ है। अगर हम नेक्स्ट फोन देखते हैं तो OPPO K12X 5G 10,750 में मिल रहा है, इसको आप इग्नोर मार दो, बिकॉज अब ना 10-11,000 में और भी अच्छे फोन आ गए हैं जो कि इसके सामने और मुझे बढ़िया लग रहे हैं। इसके बाद Moto G85 आपको 16,000 का मिल रहा है, ये पहले भी इतने का मिल रहा था, पिछली सेल में भी अभी भी मिल रहा है, तो ठीक है यार 16,000 में आपको बाय करना है। स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 इस फोन में आपको मिल रहा है, कर्व डिस्प्ले आपको मिलता है और स्लिम डिजाइन है इसका, और लिविंग लेदर आपको बैक साइड पे मिल जाएगा, तो इसको भी आप देख सकते हैं। कैमरा भी ठीक है, अगर मैं प्राइस के हिसाब से देखता हूँ कोई आपको शिकायत नहीं होगी इसके साथ। अगर मैं और नीचे आता हूँ तो Realme 12X आपको मिल रहा है 11,500 का, ये मैं आपको फिलहाल तो रिकमेंड नहीं कर रहा। सैमसंग S23 FE 29,000 का, देखो 29,000 में आप ये बाय करेंगे तो ठीक है, वैसे अगर आपको इसी रेंज का चाहिए तो जो चीज़ें यहाँ पर प्लस माइनस है मैंने आपको पहले बताई हैं वीडियो बनाकर, अगर आप 5-7,000 और बढ़ा लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी S23 5G के साथ, इतना मैं कह सकता हूँ। वहाँ पर एक तो कैमरा इससे आपको बेटर मिल जाएगा, दूसरा जो उसकी थर्मल वगैरह है वो इससे बेटर है, तो हीटिंग वगैरह है वो वहाँ पर बिल्कुल आपको उतनी देखने को नहीं मिलेगी। साथ में अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं वो भी S23 FE से ऊपर है S23 5G की। हाँ, मैं मानता हूँ प्राइस में भी यहाँ पर 8-10,000 का गैप है, तो अगर आपको सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए इसी रेंज में चाहिए तो S23 FE को ले लो, अदरवाइज बजट बढ़ाओगे तो ज़्यादा अच्छी वैल्यू आपको
मिल जाएगी। अगर हम और आगे आते हैं तो मोटो एज 50 प्रो 28,000 का मिल रहा है, तो मैं फिलहाल तो आपको मोटो एज 50 प्रो रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज कोई यहाँ पर अच्छा डिस्काउंट इन्होंने नहीं दिया। इससे बेटर तो आप कम प्राइस के एज 50 नियो या फिर एज 50 फ्यूजन बाय कर लो, वो ज्यादा अच्छी मुझे लगे अपने प्राइस सेगमेंट पे। Vivo T3X 5G ठीक है यार, ये नया फोन था Vivo की तरफ से और प्राइसिंग भी ठीक है, 11,250 में आपको मिल जाएगा। इसको आप देख सकते हैं अगर आपको बजट का ही फोन चाहिए तो। Realme P1 13,000 में, देखो Realme P1 एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको कोई बजट का फोन बाय करना है तो। इससे पहले मैंने ये फोन रिकमेंड किया था, काफी लोगों ने इसको बाय भी किया है, मुझे काफी कमेंट भी करे हैं आपने बाय करने के बाद, एक्सपीरियंस सबको बढ़िया हुआ है इस फोन के साथ। एक तो परफॉर्मेंस अच्छी है, डायमेंसिटी 7050 इस फोन में आपको मिल जाएगा, एमोलेड डिस्प्ले है, 120Hz रिफ्रेश रेट है, इंडियन फील वगैरह फोन की डिजाइन अच्छा है अगर मैं प्राइस के हिसाब से देखता हूँ तो। पहले इसका प्राइस 15,000 के आसपास था, बट अब 15,000 में नार्जो 70 टर्बो अवेलेबल है जो कि बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आप 2,000 बढ़ा के टर्बो वेरियंट लेंगे ना इसका, वो आपको और भी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करवा देगा, ये चीज भी आपको माइंड में रखना चाहिए। अगर आपको 13,000 का ही बाय करना है तो P1 बाय कर लो, जबरदस्त ये स्मार्टफोन है। फिर मोटो एच 50 फ्यूजन 20,000 का मिल जाएगा, 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ, स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। देखो 20,000 का अगर मैं हिसाब किताब देख रहा हूँ ना, तो उस हिसाब से ये अच्छी डील बन जाती है। कर्व डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, वेगन लेदर है, काफ़ी स्लिम और लाइट वेट डिज़ाइन है इस स्मार्टफोन का, POLED डिस्प्ले आपको मिल रहा है और साथ में आपको जो यहाँ पर कैमरा क्वालिटी मिल रही है वो भी ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से, कोई 20,000 में आपको शिकायत इससे नहीं होगी। हाँ जो मोटो एच 50 न्यू है ना, उसका कैमरा इससे भी थोड़ा बेटर है। अगर आप 2,000 बढ़ाते हैं वो फोन लेते हैं, कैमरा के लिए आप उसको भी देख सकते हैं। इससे वहाँ पर एक तो टेलीफोटो जूम लेंस आपको मिल जाएगा और साथ में आपको जो वहाँ पर कॉम्पैक्ट डिजाइन मिल रहा है, अभी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कर्व डिस्प्ले के साथ जाना है या फ्लैट के साथ जाना है। बाकी मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ एक, जहाँ पर मैं क्लियर करूंगा कि 25,000 से कम की रेंज में जो फोन अभी पॉपुलर है उनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी मैं अभी कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ मोटो एज 50 नियो, मुझे ये बिल्कुल सलमान खान की पर्सनैलिटी की तरह रफ एंड टफ स्मार्टफोन लगा। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर, क्योंकि सिंगल हैंड से यूज किया जा रहा है आराम से और साथ में कर्व नहीं है, फ्लैट डिस्प्ले है, तो जैसे कि कर्व में होता है ना गिरने के बाद टूटने का चांस बढ़ जाता है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है और बॉडीज की अलग टाइप की बनी हुई है और तो अच्छा लगा मुझे फोन। बाकी कंपैरिजन में आपको बाकी डिटेल मिल जाएगी, क्या यहाँ पर प्लस है क्या यहाँ पर माइनस है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वीडियो डलते ही वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। सैमसंग A14 5G 9,500 में, ये अगर मैं बजट सेगमेंट देखता हूँ अच्छी डील बन जाती है, आप इसको भी देख सकते हैं। पहले ये 16-17,000 का स्मार्टफोन था, उस टाइम मैंने क्लियर आपको मना किया था इस फोन की तरफ आप गलती से देखना भी मत। अब प्राइस कम हो गया है, अच्छी वैल्यू फोन दे रहा है, तभी मैं आपको दोबारा से ये फोन रिकमेंड कर रहा हूँ 9,500 में। अगर आपको बजट फोन चाहिए, नोक सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी, ए सीरीज का फोन है, जो UI होता है ना यहाँ पर प्रीमियम वाले फीचर्स भी यहाँ पर ऐड किए जाते हैं ए सीरीज के स्मार्टफोन में, और कैमरा क्वालिटी फोन की प्राइस को कंसीडर करते हुए बहुत बढ़िया आपको मिलेगी। पोको M6 5G अगर आपको बिल्कुल एंट्री लेवल फोन चाहिए ना, 7,000-7,500 के बीच में आपको पोको M6 5G मिल जाएगा, इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, अच्छा है फोन प्राइस को देखते हुए कोई दिक्कत नहीं है। मोटोरोला G64 14,000 का मिल रहा है, ये मैं आपको रिकमेंड आज की रेट में नहीं करूंगा, इससे बेटर तो यार आप वो ले लो मोटो G85 थोड़ा बजट बढ़ा के। Vivo T3 Lite 9,500 का, देखो Vivo T3 Lite और IQOO Z9 Lite में आपको मिल जाएगा, दोनों ऑलमोस्ट सेम फोन है, जो आपको सही पैसे मिल रहा हो ना वो उठा लेना, जिसपे आप बैंक ऑफर अच्छा लगा पाओ। मोटो G45 11,000 में, यार ये से फोन लॉन्च हुआ ना जब से 11 का ही मिल रहा है, ज़्यादा प्राइस कम नहीं हो रहा इसका, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा देख के, ऐसे 10 के अंदर इनको लाना चाहिए स्मार्टफोन इस टाइम पे। नथिंग फोन 2 वे 21,000 का यहाँ पर लगा हुआ है, अगर आपको 2 वे प्लस मिलता है ना 22 तक का 23 तक का तो वो ले लेना, इसका बड़ा भाई है तो बढ़िया है, प्राइस में ज़्यादा गैप नहीं है, इसलिए अगर प्राइस में ज़्यादा गैप होता ना तो मैं कहता कि ये उठा लो आप 2021 में, बट गैप कम है बहुत। Vivo T3 Ultra 29,000 में, देखो Vivo ने कोशिश की है फ्लैगशिप किलर के सेगमेंट में कदम रखने की, तो वहाँ पर जो अल्ट्रा है ये अच्छा लगा मुझे, डेमिरी 9000 सीरीज का प्रोसेसर है इसमें, कैमरा क्वालिटी वगैरह ठीक है प्राइस को कंसीडर करते हुए, और डिस्प्ले क्वालिटी में भी कोई यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। फिलहाल ये 29 का है, अगर आप इसको ऑफलाइन में चेक करेंगे शायद आपको और अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाए। बाकी दोस्तों Vivo T3 Pro भी अवेलेबल है 22,000 का, देखो मैं यूज़ कर रहा हूँ स्मार्टफोन को, मुझे इसकी डिस्प्ले क्वालिटी या फिर इसकी इन एंड फील या मैं कहूँ परफॉर्मेंस बढ़िया लगी है, मेन है जो कर्व है ना इसका, इसको यूज़ करने में बहुत कंफर्टेबल फील करवा रहा है, आप देख सकते हैं। मैं वैसे कंपैरिजन कर रहा हूँ उसका, आप वीडियो देख लेना, लेकिन बट मैं आपको ये भी फ़ोन रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आपको वीवो का फ़ोन बाय करना है तो। क्या प्लस माइनस है इसके वो आपको कंपैरिजन में मैंने सब बताया हुआ है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट फोन की बात करता हूँ तो Realme P2 Pro आपको मिल जाएगा 19,000 की रेंज में,
19,000 में अगर मैं देखता हूँ ना, ये भी एक ऑल राउंडर स्मार्टफोन मैं कहूंगा, रियलमी P2। बाकी कंफ्यूज तो रियलमी भी बहुत करते हैं हमें, बट अगर मैं P2 की बात करता हूँ ना, कर डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, एमोलेड पैनल यहाँ पर यूज किया गया है, और आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 मिल रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस टॉप क्लास की है। बाकी अगर आपको बजट में गेमिंग के लिए फोन बाय करना है तो 20,000 से कम में एक तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा POCO X6 Pro, Dimensity 8300 Ultra, उस फोन में जिसमें आप टॉप क्लास की गेमिंग कर पाएंगे। दूसरा फोन है Infinix GT 20 Pro, ये भी आपको 16-17,000 का मिल जाएगा, इसमें आपको मिल जाएगा Dimensity 8200, इन दोनों में गेमिंग टॉप क्लास की हो जाती है। और 20 से 25 में POCO F6 भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मार्टफोन है, 21-22,000 का ये फोन आपको मिल जाएगा इसी रेंज में। और Realme GT 60 भी आपको मिल रहा है 25,000 से आसपास की रेंज में, ये भी अच्छा फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन है। अगर मैं Amazon की बात करता हूँ ना, यहाँ पर एक तो OnePlus Nord 4 है जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, 25,000-26,000 में ये आपको मिल जाएगा, बढ़िया फोन है, इनलाइन फील से लेकर डिस्प्ले क्वालिटी से लेकर परफॉर्मेंस तक कोई आपको शिकायत नहीं होगी। Note 4 5G 22,000 का ये फोन आपको मिल रहा है, और साथ में बर्ड्स वगैरह फ्री हैं इसमें, तो ये भी अच्छी डील है। अगर आपको OnePlus का फोन बाय करना है इस रेंज में तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा IQ Z9 S Pro, अब देखो IQ Z9 Pro S Pro देख लूँ या मैं देख लूँ Vivo T3 Pro, दोनों सेम स्मार्टफोन है, जो आपको सही रेंज का मिल जाए उठा लेना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। OnePlus 12R हो गया 35,000 में, अच्छी डील रहेगी आपके लिए। और इसके अलावा अगर मैं और नीचे आ रहा हूँ, IQ Z9 Lite मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ बजट में आपको बाय करना है तो। बाकी यार आप एक काम करना, मैंने एक और वीडियो किया हुआ है जहाँ पर मैंने आपको बताया 5-10,000 से लेकर 1,00,000-1.5 लाख तक आप क्या क्या बाय कर सकते हैं, तो वो आप चेक कर लेना, वहाँ पर भी आपको और आइडिया लग जाएगा हर सेगमेंट अगर आपको बाय करना है तो कौन सा फोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। फिलहाल फ्लिपकार्ट दिवाली सेल से यही कुछ फोन थे आपके लिए, और अमेजोन में भी जो डील थी मैंने आपको सब बता दी है। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से, मिली है हेल्प तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।